बच्ची कुआरी रहती है जब तक तो कन्या रहती है, और कन्या के बाद में शादी हो जाती है, जब उसको स्वागल मानते वो पूरा श्रृंगार करती है अपने आदमी का, और आदमी मर जाता है जब चूड़े बीछियाँ हींग और बिंदी लाली लिपस्टिक भावर चुटकी बीछिया ये सब उतर जाते हैं, तो उसको विधवा कहते हैं, और सफेद कपड़े पहनाती हैं सफेद या काले, और जौ का खाना देते हैं, चप्पल नहीं पहनने देते हैं, बालों को कटवा देते हैं, और हाथ पांव बिल्कुल नंगे रख करके उसको ऐसे कठेरा में रखते हैं बंदी बना करके। जैसे मेरी तो आम जिंदगी जैसी पहले थी वही की वही है, मेरे को तो इस बात का कोई फर्क पड़ा नहीं है। आपके समाज में आप जैसी महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाता है? विधवा नाम से पहचाना जाता है, घर से बाहर निकलती है विधवा औरत उसको बेशा माना जाता है। आप जैसे भी बता रहे थे कि औरत को चूड़ियां उतारनी पड़ती है, तो ये पुरुष के साथ समाज में ऐसा बंधन महिला के साथ है तो पुरुष के साथ क्यों नहीं है? हाँ, पुलिस आजाद पंछी है, और पुलिस को क्या है अपने काम में चला जाता है, सुबह का निकलता है शाम को घर में घुसता है। उसकी पत्नी मर जाती है तो वो तो शादी कर सकता है, और विधवा औरत शादी नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं कर सकती शादी? विधवा औरत के लिए दोष माना गया है कि फेरा नहीं खाएगी, और एक पुरुष के बाद दूसरे पुरुष की शिकल नहीं देखती है। आदमी खत्म होने के बाद लेडीज का कोई अस्तित्व तो रहता नहीं है, ये कि वो कोई शुभ काम में हाथ नहीं डालती है, शुभ काम करने में क्या है लोग भी ऐतराज करते हैं कि ये विडुआ है इसके हाथ नहीं लगना चाहिए, इसमें शादी ब्याह कुछ भी होता है तो वो थोड़ा दूर ही रहती है उन चीजों से। और आदमी तो भले 10 औरतों को मार के भी शादी कर सकता है। क्या कहता है समाज उनसे? उनसे कुछ नहीं कहता, उनसे तो कहते भाई पैर की जूती टूटी है और दूसरी आ जाएगी। ये ऐसा क्यों है कि एक महिला से ऐसा करते हैं और पुरुष से समाज कुछ नहीं कहता, ऐसा क्यों है? ये पुरुष की इज्जत मानी गई है समाज में, औरत की कोई इज्जत नहीं है। औरत की इज्जत तो वही है बस, आदमी जिंदा है जो उनकी इज्जत है। विदुर पुरुष के लिए क्या समाज में रहना सहना खाना पीना क्या होता है? बढ़िया रहता है, वैसे तो कोई बात है नहीं, हमसे तो कोई ऐसी चीज गुजरी नहीं। एक पुरुष तो अपने बच्चों को पालने के लिए शादी की सोचता है दूसरी पत्नी, क्या महिला के दिल में आती है ये बातें? आती तो है पर बनती क्या, समाज के देखने के हिसाब से उसको तो मानना ही पड़ता है, अपनी इंद्रियों को बस में रखना पड़ता है औरत को तो।